हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ है ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइफ है ब्रो। आज हम बात करेंगे QVPN नेट सिक्योरिटी प्रॉक्सी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, इसका रेटिंग पॉइंट 3.4 है और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको किया है डाउनलोड। ये एप्लीकेशन क्या है और कैसे काम करता है, इसका सही तरीका क्या है, आपको इससे क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। वैसे तो इसको रिलीज़ किया गया था 28 अगस्त 2024 में और उसी दिन अपडेट भी कर दिया गया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और आपको सारी जानकारी अच्छे से समझाते हैं। परमिशन के लिए यहाँ पे आपको अलाव कर देना है। अलाव करने के बाद थोड़ी देर इंतजार करना है ताकि एप्लीकेशन यहाँ पे अच्छे से ओपन हो जाए, साथ ही साथ आप इसको आसानी से यूज़ कर पाओ। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वरना आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। एडवर्टाइजिंग को हटाने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले जे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर आपको JA, CA, USA और भी अलग अलग कंट्रीज देखने के लिए मिलेगी। तो हम सिंपली यहाँ पे US पे क्लिक कर देते हैं। US पे हमने जैसे ही क्लिक किया, देख सकते हो कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है, कनेक्ट भी हो रहा है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। बात करें नुकसान और फायदे के, तो नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फायदा ही है। इससे ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग। अब बात करें इस एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर आपको गोट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि आपका टाइमिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यानी 10 मिनट से ज़्यादा आप इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादा यूज़ करना चाहो तो आप इसको नीचे के साइड में टाइम दिया हुआ है 15 मिनट और 30 मिनट का। अब बैक बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड आ चुकी है और यहाँ पे 3 डॉट में आपको कुछ ऐसी चीज़ देखने के लिए मिलती है जिसमें आपको शेयर दिस और प्राइवेसी पॉलिसीज की देखने के लिए मिल जाती है। एप्लीकेशन से आपको बाहर आ जाना है। आप जो भी करना चाहो एप्लीकेशन से बाहर आने के बाद ही करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ कनेक्ट करने का काम देता है दोस्तों और कुछ नहीं। कनेक्ट करने के बाद आप इसको आसानी से यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं देता हूँ क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी दोस्तों।